हेलो गाइस, तो आज मैं आपको दिखाने वाला भाई होंडा 125 सीसी सेगमेंट में कौन सी बाइक भाई अपने उतार रहा है क्या भाई, उतार रखी है उसने। तो भाई उसका नाम है SP125, शाइन SP125 पूरा नाम जो है इसका, बहुत ही बड़ा नाम है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई फ्रंट में ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है कुछ तरीके का। यहाँ पे देख लो होंडा का भाई स्टिकरिंग में लोगो है, यहाँ पे प्रॉपर LED सेटअप है, देख लो लिखा हुआ भी है यहाँ पे। और मैं वो डिपर आपको मार के दिखा दूँ कितनी मस्त लगती है रात में, ये देख लो कुछ तरीके की लगेगी रात में भाई, एकदम सामने वाले एकदम 2 मिनट के लिए एकदम ब्लाइंड कर देगी, है ना। यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमारा फाइबर का है, मड गार्ड हो गया। उसके बाद इस साइड से बात करें तो भाई रेड कलर काफ़ी सही लग रहा है इसके ऊपर, है ना। और यहाँ पे भाई सस्पेंशन हो गए हमारे फ्रंट के। यहाँ पे हमारा भाई डिस्क ब्रेक हो किस तरीके का, उससे पहले मैं आपको टायर की साइज़ दिखा देता हूँ। देख लो 18 इंचज़ के भाई ये टायर्स हैं, सेक्शन देख लो पूरे इसमें, यहाँ पे देख पा रहे होगे आप लोग स्क्रीन पे अपने, ये देख लो 18 इंचज़ यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे डिस्क ब्रेक है हमारे, काफ़ी सही लग रहे थे यार ये भी, और ये टॉप एंड वेरियंट है। और यहाँ देख लो ब्रेक डिस्क ब्रेक कैलिपर्स पे देख लो कुछ यहाँ साइन है, कॉमेंट करके बताना भाई ये है क्या, ठीक है। उसके बाद भाई बात करें तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स गिवन है, यहाँ पे भाई ब्रेडेड वायर है, काफ़ी अच्छी डिस्क ब्रेक के लिए काफ़ी सही वायर है ये। इस साइड से बात करते हैं तो भाई यहाँ पे देख लो कुछ तरीके का इसका डिज़ाइन है, काफ़ी सही लग रहे थे इसके व्हील्स। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे देख लो हॉर्न है भाई पूरे ब्लैक कलर में, इंजन में कोई खास प्रोटेक्शन है नहीं नीचे से, ठीक है। उसके बाद भाई इधर से बात करते हैं तो ये भाई बहुत ही बेकार लगे मेरे को इसके इंडिकेटर, थोड़े अच्छे होने चाहिए थे डिज़ाइन में। उसके बाद इधर देख लो होंडा के टिपिकल मिरर्स हैं यार, जो सारे होंडा के स्कूटीज़ में और बाइक्स में आते हैं। उसके बाद भाई कुछ इस तरीके का लुक्स है, यहाँ पे होंडा का 3D में भाई लोगो है भाई, बहुत सही लग रहा था ये, है ना। फुल मैश टैंक है यहाँ पे, यहाँ पे डिज़ाइन एलिमेंट्स के लिए कुछ फाइबर के पार्ट्स हैं साइड में, जो उसको बल्कि से डिज़ाइन दे रहे हैं पूरी बाइक को। मैट ब्लैक में यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट ऐड किया गया, काफ़ी नीट लग रहा था। यहाँ पर फिर से फाइबर है, यहाँ ब्लैक कलर भाई ड्यूल टोन में बाइक बहुत ही अच्छी लग रही है, और ये स्टिकरिंग तो भाई 4 चांद लगा रही है इसके ऊपर। यहाँ पे देख लो पिलियन के लिए भाई पूरा यहाँ पे दे रखा है बैठने के लिए। उसके बाद भाई बात करें तो देख लो कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंजन का पूरा मैट पेंट कर रखा है, ये देख लो आप सही लग रहे थे। यहाँ गियर्स हो गए हमारे, यहाँ पे देखो साइड स्टैंड के पास कुछ सेंसर्स आप देख पा रहे हो एकदम बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, वही सेंसर है भाई, साइड स्टैंड इंडिकेटर है। देखो अभी साइड स्टैंड जैसे हमारा लगा हुआ है ना, मैं आपको मीटर में एक चेकआउट कराता हूँ, ये देखो तो यहाँ पे भी हमारा साइड स्टैंड का इंडिकेशन आ रखा है, तो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे मैं इस साइड से आपको लुक दिखाता हूँ, तो मेरा फ्रंट और जो साइड लुक्स है ना बाइक की काफ़ी भाई बल्कि सी है, रियर लुक्स थोड़ी सी मुझे बल्कि नहीं लगी, सबका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। साइड यहाँ पे किक देख लो आप एक बार, यहाँ कुछ ब्रेक पैडल के भाई एकदम प्लेसमेंट बहुत ही सही जगह पे है, मैंने बोला हूँ और सी जगह पे है। उसके बाद भाई रियर से एक बार लुक्स दिखाऊं तो यार यहाँ पे हेलोजन रियर लाइट्स आते हैं, काफ़ी मेरे को यार इसमें डिसअपॉइंटमेंट हुआ, कम से कम LED देना चाहिए था। यहाँ पे भाई नंबर प्लेट की हमारी लाइट आई कुछ इस तरीके की, आप देख पा रहे हो तो काफ़ी सही लग रही थी ये भी। इंडिकेटर्स आ गए यहाँ पे आप देख रहे होगे, है ना। उसके बाद बात करें तो भाई यहाँ पे साइलेंसर की बात कर लेते हैं, तो भाई काफ़ी सही लग रहा है क्रोम, और भाई ये मैट ब्लैक में जो कवर है काफ़ी अच्छा लुक दे रहे थे इसको, ये देख लो ओवरऑल सही लग रहे थे ये, है ना। उसके बाद भाई बात करें तो ये कुछ इस तरीके के रियर में भी 18 इंचज़ के टायर्स हैं इसमें, सेम है जैसे फ्रंट में वैसे ही रियर में है। आप कॉन्फ़िगरेशन आप देख लो एक बार, यहाँ पे भाई हमारे रियर में ड्रम ब्रेक्स आता है, डिस्क नहीं आता इसके टॉप एंड में भी, है ना। उसके बाद ये चेन का कवर है आप देख लो कुछ इस तरीके का। होंडा का यार यहाँ पर फिर से मैंने स्टिकरिंग दे रखा है, ये रेड कलर के सस्पेंशन है, रियर के काफ़ी सही लग रहे हैं। ESP टेक्नोलॉजी आती है बाइक के अंदर, जो कि काफ़ी सही चीज़ है BS6 में खासकर, है ना। उसके बाद भाई एक बार बात कर लें इधर, तो मैं आपको पहले सीट दिखा देता हूँ एक बार, इसके काफ़ी ज़्यादा सही सीट्स हैं इसकी, तो पहले आप वो देखो। और भाई काफ़ी सा ब्रॉड सी एकदम सॉफ्ट सी सीट्स हैं इसकी, तो ये कुछ इस तरीके की हैं। और इसके बाद बात करें तो यहाँ पे इसका कुछ इस तरीके का मीटर है, उससे पहले मैं आपको एक बार की चेकआउट कराता हूँ, ये देखो मैं एक बार की निकाल लेता हूँ, ये देखो इसकी की कुछ इस तरीके की आती है। अब मैं आपको ना अपनी स्कूटी की भी एक बार की दिखाता हूँ, है ना। उसके बाद आप बोलोगे नहीं कि भाई किसकी की है, ये देखो ये मैंने निकाली अपनी की, तो ये देख लो यार यहाँ पे दोनों कीज़ हैं। अब बताओ यार इतना एकदम कुछ डिफरेंस ही नहीं है यार दोनों में, कम से कम कुछ तो होंडा को अलग करना चाहिए यार। तो भाई देख लो यार मैं आपके सामने सब दिखा रहा हूँ, मीटर एक बार ऑन करके देखते हैं भाई, काफ़ी सही है यार, मतलब एनिमेशन है ना इसके, ये देख लो। और रात में जो बैक लाइट आती है वाइट कलर की भाई, वो तो भाई बहुत सही रहेगी रात में, है ना। तो यहाँ पे देख लो यार फ्यूल का हो गया हम लोग का, यहाँ पे स्पीड है, डिजिटल स्पीड है, सब कुछ डिजिटल है अब इसमें BS6 में। यहाँ पे हमारा ट्रिप हो गया, ट्रिप ए ट्रिप बी है इसमें, किलोमीटर से यहाँ पे गियर का इंडिकेशन है, न्यूट्रल पे अभी देख लूँ मैं आपको एक बार ऑफ करके ऑन कर देता हूँ। उससे पहले साइड स्टैंड है, यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह है, ये देख लो कुछ इस तरीके का है। अब मैं इसे ऑफ करूँगा, देख लो इकोनॉमी मोड का, यहाँ पे लाइट भी ऊपर ग्रीन कलर की काफ़ी सही लगी। ये डिपर मार के एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो इस तरीके की काफ़ी सही लगते हुए रात में डिपर मारते हुए, तो ये देख लो कुछ तरीके का है। यहाँ पे देख लो यहाँ पे हमें वो है मोड वगैरह देखने का, ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह करने का, वो सारे जो बटन है उसके लिए, एवरेज वगैरह सब देखने के लिए सब कुछ है इसमें, ये देख पा रहे होगे आप कुछ इस तरीके का है।
ये देख लो सारे इसमें इंफॉर्मेशन, मल्टीपल इंफॉर्मेशन है इसमें, ट्रिप रेट, ट्रिप भी, टोटल किलोमीटर एवरेज, इंस्टेंटेनियस एवरेज जो है हम लोग का क्या निकल के आ रहा है। और इधर भाई इस सेट बटन ने क्लॉक के लिए दे रखा है प्रॉपर हमारा, कि एक क्लॉक को हमें सेट करना है तो उसके लिए है, ठीक है। अब इधर बात कर लेता हूँ तो ये देख लो यार कुछ तरह खाली सा स्पेस है, बड़ा ही ऑड सा है। आपको लास्ट बताऊँगा इसके कि क्या चीज़ के लिए यूज़ होता है ये। यहाँ हॉर्न है, ये देख लो इस तरीके का हॉर्न है हमारा। यहाँ पे भाई किल स्विच है हमारा और स्टार्ट करने के लिए बटन है, काफ़ी सही लग रहा है यार ये, है ना। उसके बाद भाई इधर बात करें तो ये देख लो, तो भाई मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पे देखो ये पास करने का बटन है हमारा, इस तरीके से कुछ पास होता है। और अगर इसे हाई बीम करना है ना तो ये बटन देख लो आप एक बार, इसको बस मेरे को ऐसे पीछे करूँगा, ये देखो हाई बीम ऑन हो गया। ये देखो मेरा हाथ ही रहा, ये हाई बीम इसका ऑन है, मैं वापस इसको ऐसे करूँगा हाई बीम में जो बंद हो चुके। मैं फिर से बटन के मेरा हाथ है यहाँ पे, मतलब हाई बीम जो हमारा ऑन हो गया, तो इसको इसको पीछे पुल करना पड़ेगा। ये पता नहीं मैं जगह बचाने के लिए क्योंकि ये भाई पता नहीं, लेकिन बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है ये पार्ट इसका एक्सपोज जैसे जो है भाई। ये सब बात हो गई, ये देख लें यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स के लिए वो सब जो है कंपोनेंट है वो सारे डिस्क ब्रेक ऑयल के लिए, है ना। तो भाई ये कुछ इस तरह की बाइक है, देख लो यहाँ पे वो फ्यूल वगैरह के लिए प्रॉपर यहाँ पे कुछ भाई वही इंफॉर्मेशन वगैरह दे रखी है राइडर के लिए। और ये कुछ इस तरह की लुक से आप बात कर लेते हैं यार एक बार ना प्राइसिंग की, तो सबसे पहले मैं प्राइसिंग दिखाता हूँ भाई कुछ इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो प्राइसिंग है SP125 डिस्क की जो टॉप एंड वेरिएंट है इसकी भाई 10194 फोन ऑन रोड जो है हमारी ग्रेटर नोएडा के हिसाब से, है ना। अब बात कर लें भाई सारे टैक्सेस वगैरह एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह जो भी है मतलब फाइनल एकदम, तो उसकी भाई बात करें तो वो पड़ेगी भाई 10531। तो आप बताना ये कैसी प्राइसिंग आपको सही लगे कि नहीं। इसमें हेलमेट की प्राइस इंक्लूडेड नहीं है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट है अगर आपको हेलमेट चाहिए तो। तो भाई कुछ ऐसी वीडियो थी भाई, वीडियो बताना कैसी लगी आपको और ये बाइक वर्थ है कि नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।